डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ शुरू से ही खेती करना सबसे उत्तम कार्य माना जाता रहा है। बीते समय में देश को सोने की चिड़िया कहे जाने के पीछे एक कारण यहाँ की खेती का अति समृद्ध होना भी था, किंतु अंग्रेजी शासकों ने भारत पर कब्जा कर न केवल यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और अर्थतंत्र को चौपट कर दिया, बल्कि वे सोना उपजाने वाली यहाँ की मिट्टी के साथ भी न्याय न कर सके। फलस्वरूप अन्य क्षेत्रों के साथ साथ हम भारतीय कृषि कार्यों में भी पिछड़ते चले गए। वर्ष 1943 में देश में भीषण अकाल पड़ा, जिसे बंगाल अकाल के नाम से जाना जाता है। इस अकाल में लगभग 40 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के दौरान अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियों और कुव्यवस्था के कारण देश में फिर से अन्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। भारत के नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध का उन्माद, जिसमें ब्रिटिश शासकों ने अन्न आपूर्ति को बहुत कम प्राथमिकता दी, अन्न संकट का एक अति महत्वपूर्ण कारक था। अंततः वर्ष 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, किंतु बंगाल अकाल की दहशत अब भी देश पर छाई थी। भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना देश के निर्माताओं के सामने एक गंभीर चुनौती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ ही वर्षों बाद भारत को वर्ष 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान द्वारा जबरन थोपे गए युद्धों का सामना करना पड़ा। इस भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत के साथ पहले से किए गए समझौते को दरकिनार कर अन्न भरकर भारत भेजे जा रहे अपने जहाज को पुनः अपने देश लौटा लिया, ताकि भारत पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दे। किंतु विश्व को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के बुलंद इरादों के सामने पाकिस्तान की एक न चली और युद्ध में उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। अमेरिका द्वारा ऐसे समय में भारत को अन्न की सहायता बंद किए जाने से देश को अन्न संकट से जूझना पड़ा, किंतु अमेरिका द्वारा उत्पन्न की गई यही प्रतिकूल परिस्थिति देश में हरित क्रांति के सूत्रपात का कारण बनी, जिसकी चिंगारी जल्द ही समूचे देश में फैल गई और मिट्टी से जुड़े दूरदर्शी प्रधानमंत्री शास्त्री जी के नेतृत्व में देश कुछ ही वर्षों में अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। किसानों को देश का अन्नदाता मानने वाले शास्त्री जी ने एक बार कहा भी था, भोजन लोगों के जीवन मरण का प्रश्न है, हमें लोगों को पर्याप्त भोजन देना ही चाहिए। प्रोफेसर सत्य प्रकाश ने ठीक ही कहा है कि शास्त्री जी ने देश को सैन्य गौरव का तोहफा ही नहीं दिया, बल्कि हरित क्रांति का सूत्रपात कर कृषि क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी किया। विश्व को हरित क्रांति का मंत्र देने वाला देश मेक्सिको है। इसके जनक विश्व के महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। द्वितीय
विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका के सामने जापान का पुनर्निर्माण किए जाने का प्रश्न आखड़ा हुआ। कृषि अनुसंधान सेवा के एस सिसिल सेलमन जब विजयी अमेरिकी सेना सहित जापान पहुंचे, तब उनका ध्यान नोरिन नामक गेहूं की किस्म पर गया, जिसके दाने बहुत बड़े बड़े थे। सेलमन द्वारा इस किस्म के अमेरिका भेजे जाने के 13 वर्षों के शोध के पश्चात गेहूं की गेम्स नामक किस्म तैयार की गई। गेम्स का मेक्सिको के गेहूं की सर्वोत्तम किस्म से संस्करण करवाकर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने एक अन्य नई किस्म तैयार की पाई पराचेंज। वर्ष 1976 से 2001 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गन्ना और गेहूं विकास केंद्र में चलाए जा रहे गेहूं कार्यक्रम में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन का साथ भारत में जन्मे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय राजाराम ने भी दिया। डॉक्टर राजाराम ने उच्च उत्पादकता वाली गेहूं की 480 से भी अधिक किस्में तैयार की, जिनके बीज 6 महादेशों के 51 राष्ट्रों में भेजे गए। फलस्वरूप हरित क्रांति के बाद के वर्षों में गेहूं के उत्पादन में 200 मिलियन टन से भी अधिक की वृद्धि हुई। इस उपलब्धि हेतु डॉक्टर राजाराम को 2014 वर्ल्ड फूड प्राइज से नवाजा गया। भारत में हरित क्रांति का जनक श्री सी सुब्रमण्यम को माना गया है, जो वर्ष 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय देश के कृषि मंत्री थे। पूसा में गेहूं की नोरिन किस्म के बीज के सफल परीक्षण के पश्चात देश को खाद्यान्न संकट से उबारने के लिए वर्ष 1965 में तत्कालीन कृषि मंत्री ने नोरिन के 18,000 टन बीज आयात करवाए और देश में हरित क्रांति का बिगुल फूंका। कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए देश के कृषकों को गेहूं की इस नई किस्म और कृषि की अत्याधुनिक तकनीक की जानकारी प्रदान की गई। देश में बड़ी संख्या में नहरों व कुओं का निर्माण किया जाने लगा। साथ ही साथ अन्न भंडारण की समस्या से निपटने के लिए काफ़ी संख्या में गोदाम भी बनाए जाने लगे। इन सब कार्यों में कृषि मंत्री को देश के महान कृषि वैज्ञानिक श्री M.S. स्वामीनाथन का पूर्ण सहयोग मिला। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग कर वैज्ञानिक विधि से खेती करने का परिणाम सकारात्मक निकला। आशातीत पैदावार हुई और देश वर्ष 1970 तक आते आते खाद्यान्न के मामले में पूर्णतः आत्मनिर्भर हो गया। निस्संदेह इसका श्रेय तत्कालीन कृषि मंत्री के साथ साथ हमारे मेहनती किसानों और देश के लिए समर्पित कृषि वैज्ञानिकों को जाता है। हरित क्रांति में अधिकाधिक कृषि योग्य भूमि का प्रयोग किए जाने, एक कृषि सत्र में 2 फसलें तैयार करने, उन्नत किस्मों के बीजों का इस्तेमाल करने, रासायनिक खादों व कीटनाशकों का प्रयोग एवं समुचित सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया गया, किंतु इसके अंतर्गत गहन कृषि जिला कार्यक्रम, कृषि शिक्षा, भू संरक्षण, किसानों को बैंकों की सुविधाएं प्रदान करना जैसे लक्ष्य भी रखे गए। हरित क्रांति से रबी, खरीफ व जायद फसलों के क्षेत्र में विशेष लाभ देखने को मिले। किसानों को खेती में थोड़ी लागत बढ़ाने पर अच्छी आय की प्राप्ति होने लगी। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप देश न सिर्फ कृषि
उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ, बल्कि यहाँ से बड़ी मात्रा में अनाज निर्यात भी किए जाने लगे। बिल गेट्स के शब्दों में 60-70 के दशकों में हुई हरित क्रांति के दौरान वैज्ञानिकों ने चावल, गेहूं एवं मक्के की नई किस्मों के बीज तैयार किए, जिसके परिणाम स्वरूप पैदावार बढ़ गई। स्टॉप।